नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको हेल्थ प्रॉब्लम इस तरह की हो, जैसे आंखों में एलर्जी हो या हमारे पूरी बॉडी पे एलर्जी हो, भूख ना लगे या खाने की इच्छा ना हो, ऐसी सिचुएशन में जनरली आपको कौन सी दवा दी जाती है डॉक्टर के द्वारा? कभी आपने सोचा है कि एलर्जी में भी काम आने वाली दवा हो और भूख बढ़ाने वाली दवा भी हो, तो इस तरह की दवा कौन सी होती? शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये प्रैक्टीन के नाम से दवा आती है, जो 4 mg की टेबलेट होती है, जिसमें 4 mg साइप्रोहेप्टाडीन नाम की दवा होती है। दोस्तों, इसी दवा के बारे में मैं कंप्लीट आज नॉलेज लेके आया हूँ, जिससे सारे के सारे चीज़ें आपको पता लगने वाली है। हम इसको किस जैसा कि किस किस बीमारी में इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारे शरीर में जाके किस तरह से काम करती है, इसको लेने से हमारे कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, इसको आपको कितनी डोज लेनी चाहिए और किस फ्रिक्वेंसी से लेनी चाहिए, इसको लेते समय आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सावधानी कौन सी रखनी चाहिए, इसका मतलब संपूर्ण जानकारी मिलेगी, मतलब सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से ज़रूर बोलूंगा पहले कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करें, ताकि दवाओं के बारे में संपूर्ण नॉलेज उनको मिले और कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, तो प्रॉपर दवा लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि ये काम आपको अच्छा लगता है, यदि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आगे शुरुआत करता हूं, सबसे पहले कि इस दवा को हम कौन कौन सी बीमारी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये एंटी हिस्टामिनिक नाम की दवा होती है, मतलब ये कैटेगरी है दवा की, जो मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, मतलब ये एलर्जी में काम करती है। जैसे कि एलर्जी की वजह से आपको नाक बह रही हो, एलर्जी की वजह से आपके शरीर पर लाल चकते हो चुके हों, यदि एलर्जी की वजह से आपको खुजली चल रही हो, तो इस सभी तरह की प्रॉब्लम्स में इसको यूज किया जा सकता है। एलर्जी आपको बार बार हर जगह शरीर में खुजली चल रही हो, या एलर्जी की वजह से आपकी आंखों में बहुत रेडनेस आ गई हो, ऐसी सिचुएशन में भी इस दवा को दिया जाता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों, हे फीवर भी एक एलर्जी नाम की वजह से होता है, तो उस प्रॉब्लम में भी इसको दिया जाता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों, एलर्जी की वजह से, जब एलर्जी कब होती है, या तो आपको मधुमक्खी काट गई हो, तितैया काट गया हो, तो आपको एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह से आपको सूजन आ जाती है, ऐसे समय में भी दोस्तों ये दवा दी जाती है, जिससे पेशेंट को जो स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे, या जहाँ पर भी काटा है ततैया ने या मधुमक्खी ने, उसकी वजह से क्या होगा, यदि ये दवाई आप समय पर ले लेंगे तो आपको ये सूजन नहीं आएगी, पता ही नहीं लगेगा कि आपको किसी ततैया ने या मधुमक्खी ने काटा है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी, मतलब इसी दवा का दूसरा यूज होता है, इसको बोलते हैं एपेटाइट स्टिमुलेंट, जो भूख बढ़ाने वाली दवा होती है। यदि आपको भूख ना लग रही हो, भूख खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी हो, आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, आपके ओल्ड पेरेंट्स खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनको भूख ना लग रही हो, खाने की इच्छा नहीं हो रही हो, मतलब या इसकी वजह से पेशेंट कुपोषण का शिकार हो रहा हो, मतलब मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन कोई बच्चा रह रहा हो, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कुपोषण को मैनेज करता है, मतलब इसको यह है कि आप और अच्छे से खा, आपकी भूख बढ़ने लग जाती है इसकी दवा लेने से। जैसे ही भूख बढ़ेगी तो आप पेशेंट या आप हैं वो आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से जल्दी से रिकवर हो जाएंगे और आपको जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर मिलेगा आपकी बॉडी को। सिमिलरली इसका मतलब ये हो गया, जो भूख की कमी है उसका इलाज होता है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख बढ़ाने वाली दवा के रूप में काम करता है। कौन सी दवा है दोस्तों? ये प्रैक्टीन है, जिसमें साइप्रोहेप्टाडीन नाम की दवा होती है। इस तरह से ये इतनी सारी बीमारियों में इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब ये इतनी सारी बीमारियों में यूज क्यों करते हैं, मतलब इसके हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है, हमारी बॉडी में एलर्जी करने वाले केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। ये साइप्रोहेप्टाडीन क्या करता है, जो प्रैक्टिन नाम की ब्रांड में होता है, जो डॉक्टर रेड्डी बनाता है दोस्तों, इसमें क्या करता है, ये साइप्रोहेप्टाडीन दवा होती है, वो केमिकल्स को क्या करता है, काम नहीं करने देता, उनके अगेंस्ट काम करता है, इसीलिए इनको एंटी हिस्टामिनिक बोला जाता है। इस एंटी हिस्टामिनिक की वजह से ही इसका ये काम होता है, मतलब एलर्जी में काम आता है, और जो
एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेंट ऑफ एपेटाइट बोलता है, मतलब भूख को जगाता है हमारे शरीर में। उसी तरह से दोस्तों अब अपन बात करते हैं इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट है। जब बात साइड इफेक्ट की आती है, हालांकि जनरली इस दवा के कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ये बहुत वेल टॉलरेटेड दवा होती है। यदि आपको फिर भी ऐसा लगे कि आपको मुझे कोई साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रहे उस साइड इफेक्ट के बारे में इमीडिएटली अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर की सलाह से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपका सिर भारी रह सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत ज़्यादा सिर भारी है, इसका मतलब ये है कि उस दवा का ही साइड इफेक्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नींद आने जैसी समस्या भी हो सकती है, बार बार आँखों में नींद, ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई, तो ये भी इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है दोस्तों, मुंह में बहुत बार बार सूखापन लगता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बार बार पानी पिए तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये साइड इफेक्ट जितने भी हैं पूरे के पूरे बहुत वेल टॉलरेटेड है, आपको पता ही नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं इस दवा को कितनी डोज में लिया जाता है। जब बात डोज की आती है तो जनरली दोस्तों ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि मरीज की उम्र कितनी है, मरीज का वजन कितना है, उसको कौन सी बीमारी है, मतलब कौन सी बीमारी का मतलब एलर्जी है, किस तरह की एलर्जी है, कौन सी साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। वैसे जनरली इसकी जो दवा आती है 4 mg की टेबलेट आती है। अब बात करते हैं कि जनरली 2 गोली दिन की दी जाती है, लेकिन इस पे ये किस पे डिपेंड करती है कि पेशेंट को एलर्जी कितनी है, कितनी सीवियरिटी है उसको, पेशेंट को कितनी भूख खत्म हो चुकी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तभी आपको ये दवाई लेनी होती है। तो ध्यान रहे आपको डॉक्टर की सलाह से दवाई लेनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सावधानी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाई लेनी है, बिना डॉक्टर की सलाह दवा ना लें। इसको खाना खाने के बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। जनरली इस दवा को जो लेते हैं ना तोड़े ना फोड़े ना आपको इसको क्रश करना है, एज सच इस दवा को ले लें। और इसके साथ में आपको शराब ना पिए, तो दिक्कत हो सकती है आपको। गर्भवती माँ और बच्चे को दूध पिलाने वाली माएँ पेशेंट क्या करें, डॉक्टर की सलाह लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों। जनरली हालांकि ये दवा एलर्जी में काम आती है, लेकिन फिर भी इस दवा से एलर्जी यदि होती है आपको, तो ध्यान रहे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और दूसरी दवा लें, ये दवा ना लें। क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है कि एलर्जी करने वाली दवा ले लेता है पेशेंट, तो बहुत सीवियर परिणाम होते हैं उसके। यदि दोस्तों आपको लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ध्यान रहे लीवर और किडनी पेशेंट को आपको डॉक्टर की सलाह से कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव दवा लेनी चाहिए, ताकि आपको लीवर और किडनी डैमेज होने से बच जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी की सारी आपको सावधानी रख। इस दवा से रिलेटेड आपको मन में कौन कौन से कंफ्यूजन हो सकते हैं और उस कंफ्यूजन का क्या जवाब होना चाहिए, तो मैं आपको एक एक कंफ्यूजन बताता हूं। सबसे पहले आता है, क्या इस दवा को लेने से नींद जैसा अनुभव होता है क्या? दोस्तों बिल्कुल इस दवा से नींद जैसा अनुभव होता है, तो आपको भारी मशीनरी और ड्राइविंग करने से आपको बचना चाहिए इस दवा को लेने के बाद में। क्योंकि यदि आप ऐसा लेंगे और आपको नींद जैसी शिकायत हो जाएगी, तो आपको बहुत बड़ा एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे इस दवा को लेने के बाद में आपको हैवी मशीनरी नहीं चलानी होती है दोस्तों। जनरली फिर आता है, क्या ये दवा स्टीरोइड है क्या? जी नहीं दोस्तों, ये स्टीरोइड बिल्कुल भी नहीं है, ये एलर्जी की दवा हो है, और जो एलर्जी के लक्षणों को से राहत दिलाती है, साथ में ये स्टिमुलेट करता है किसको, भूख को स्टिमुलेट करता है, पेशेंट को भूख जगाता है दोस्तों। इसके बाद में इस दवा को लेने के बाद में कितने समय में काम करने लग जाती है दोस्तों? वैसे देखा जाए तो दवा को लेने के 1 घंटे के भीतर भीतर ये अपना एलर्जी वाला एक्शन तो दे देती है, लेकिन ये इस दवा को यदि भूख को जगाना है, तो इसको थोड़ा सा लंबा समय चाहिए होता है, 5-10 दिन का। तो उसको समय को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए अपना ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसको कितने दिनों तक लेना होता है, तो ये समस्या पर निर्भर करता है कि डॉक्टर ने आपको कौन सी समस्या या कौन सी बीमारी डायग्नोस की, और डॉक्टर ने कितने दिनों तक प्रिस्क्राइब किया, उसी के बेसिस पे आपको ध्यान में रखना होता है कि उस दवा को लेना है। जनरली जो यदि भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 20 डेज के लिए आपको दिया जाता है, दिन में 2 टेबलेट दी जाती है, 1 सुबह और 1 शाम को। इस तरह से आपको दवा लेनी चाहिए। फिर भी और आगे आप लेते हैं, तो डॉक्टर अनुसार आपको प्रिस्क्राइब की हुई दवा के हिसाब से लेना चाहिए।
दोस्तों, इस दवा को लेने के लंबे समय तक लेना सुरक्षित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। इस दवा को लेने से जब तक लेना चाहिए जितने दिनों तक आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती है कि ऐसा क्या खाएं कि हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाए, ऐसा क्या खाएं कि हम स्ट्रोंग हो जाएं, ऐसा क्या खाएं कि हम बहुत ज्यादा जैसे कि भूख लगे। तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स खाने चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे रखे हैं, वहां जाके आप इनको खरीद सकते हैं और आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। और इसी टाइम आप इसको करेंगे ऑर्डर तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, उचित समय पर फार्मासिस्ट से ही दवा लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको जरूर बोलूंगा धन्यवाद, थैंक यू वन।